नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। वो ट्रेन में चढ़ती है ये सोचकर कितने लोगों के बीच वो आराम से घर पहुंचाएगी, लेकिन 12 घंटे के डर के साए की इस कहानी को सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। चलती ट्रेन में एक लड़की के साथ 12 घंटे तक छेड़खानी का मामला सामने आया। लड़की गरीब रथ एक्सप्रेस से एग्जाम देने के लिए जालंधर से बिहार के मोतिहारी जा रही थी। उसे क्या पता था कि ट्रेन जैसे ही लखनऊ से आगे बढ़ेगी वैसे ही उसके लिए ये रात बहुत ही भारी होने वाली थी। रात को जब ट्रेन लखनऊ पहुंची तो एक सफाई कर्मी की गलत नजर उस पर पड़ गई और यहां से खौफ के रात की यात्रा की शुरुआत होती है। दरअसल पीड़ित लड़की जालंधर में ANM की पढ़ाई करती थी। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा देने के लिए वो अपनी सहेली के साथ मोतिहारी जा रही थी। इसके लिए वो जालंधर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में सवार हुई थी। लड़की की आबीती के अनुसार वो गरीब रथ एक्सप्रेस में सफर कर रही थी। बुधवार की सुबह 5:15 पर जालंधर स्टेशन से ट्रेन पर सवार हुई थी। रात 9 बजे के करीब ट्रेन लखनऊ पहुंची। अब यहां ऊपर वाली बर्थ से उतरकर मोबाइल चार्ज करने नीचे आई और इसी बीच एक सफाई कर्मी सौरभ भी वहां पर आ गया। उसने लड़की का मोबाइल चार्जिंग से हटाकर अपना मोबाइल लगा दिया, फिर लड़की का नंबर मांगने लगा और नहीं देने पर परेशान करने लगा। इतना ही बार बार वो लड़की के पास आता और उसे खाने पीने का सामान जबरन देने की कोशिश करता। सफाई कर्मी लगातार छेड़खानी किए जा रहा था और इस वजह से पीड़िता पूरी रात सो नहीं सकी। यात्रा के दौरान पूरी रात सफाई कर्मी उसे परेशान करता रहा। हालांकि जब सुबह हुई तो एक पुलिसकर्मी की नजर सफाई कर्मी सौरभ की हरकतों पर पड़ गई। लड़की समेत दूसरे यात्रियों ने भी शिकायत की, जिसके बाद मुजफ्फरपुर रेल SP को खबर दी गई कि इस बीच कुछ यात्रियों ने सौरभ को दबोच लिया। जैसे ही मुजफ्फरपुर जंक्शन आया उसे GRP के हवाले कर दिया गया। GRP थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद लड़की एग्जाम देने के लिए मोतिहारी निकल गई। एक लड़की जालंधर से मुजफ्फरपुर आ रही थी, उसी ट्रेन में एक सफाई कर्मी थे जिसके द्वारा उसके मोबाइल मांगा गया, मोबाइल नंबर मांगा गया, नहीं देने पर उसके साथ अश्लील हरकत किया गया। उस लड़के के द्वारा जो सफाई कर्मी थे जिसका नाम सौरभ शर्मा है, UP का रहने वाला था, उसे तब इसकी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर स्टेशन में उसे गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध कांड दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रेल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूपी के सफाईकर्मी सौरभ शर्मा को मुजफ्फरपुर जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खौफनाक यात्रा की ये रात इस लड़की को शायद अब ताउम्र सताएगा। अगर आप भी अकेले ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो थोड़े सावधान रहें और कुछ भी गड़बड़ हो उसकी शिकायत आप फौरन RPF को करें और वो मदद के लिए ज़रूर आपके सामने आएगा। जो मौजूद यात्री थे उनको ये जो लड़की है आपबीती सुना रही थी, ऐसे ही आपको भी अपनी आपबीती सुनानी है। ये तमाम जानकारी जुटाई है मुजफ्फरपुर से मणिभूषण कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।